एंड क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रूज, जिसके राइटर हैं राजगोपालाचारी। एनचेंटेड का मतलब क्या है? मायावी सरोवर। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जायटी एंड थॉट, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थॉट, अनएबल टू बियर दी थॉट एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थॉट, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। चलिए एक एक पैराग्राफ पढ़ते चलिए। चलिए मेरी पहले मीनिंग देख लेते हैं। वेटेड माने प्रतीक्षा की, एनएक्सटी माने चिंता, सब्जेक्टेड टू माने प्रभाव में आना, कर्स माने अभिशाप, स्टिल माने अभी भी, बाउंडरिंग माने घूमना, फेंटेड माने मूर्छित हो गए, इन सर्च ऑफ माने तलाश में, अनेबल माने असमर्थ, टू बियर माने सहन करना, थॉट माने विचार, ड्राइवर माने खिंचे हुए, ओवर पॉपरिंग माने बहुत अधिक, थर्स्ट माने प्यास, गेव अप माने छोड़ दिया, स्टार्टेड आउट माने चल पड़े, टू लुक फॉर माने तलाश में, पूल माने तालाब, होपिंग माने आशा करना। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जायटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर चिंता में और प्यास के कारण अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और दे स्टिल वार्निंग अबाउट द फॉरेस्ट सर्च ऑफ वाटर, क्या वे साप के कारण शिकार हो गए हैं कि या वे अभी भी पानी की तलाश में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे मूर्छित हो गए हैं क्या प्यास के कारण मर गए हैं। अनएबल टू बियर दी थॉट, इन विचारों को सहन न कर पाने के कारण, एंड ड्राइविन बाई ओवर पॉवरिंग थर्ट, तथा ती प्यास से पीड़ित होने पर, ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। उन्होंने ती प्यास से पीड़ित होने पर उन्होंने अपने भाइयों की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, इस आशा के साथ कि कहीं ना कहीं अपने भाइयों को पालेंगे। वे अपने भाइयों तथा तालाब की खोज में चल दिए। दैट्स ऑल। चलिए सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ही ब्रदर हैड टेकन एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, टिल ही केम अगेन अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडियम अराउंड ए पूल ऑफ ग्रीन वाटर, बट वैन ही सो हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनएबल टू रिटेन हिज ग्रीप, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। चलिए इसके मीनिंग देख लीजिए पहले। प्रोसीड माने आगे बढ़ा, डायरेक्शन माने दिशा, कैप्ट ऑन वॉकिंग माने चलता ही रहा, थ्रो माने होकर, ट्रैक माने रास्ते, वाइल्ड माने जंगली, बियर माने भालू, स्पॉटेड माने चितकबरे, मीडियम माने घास का मैदान, पूल माने तालाब, फ्लैग पोल्स माने झंडे टांगने के डंडे, अनेबल माने असमर्थ, टू रेस्टेड माने रुकना, ग्रीफ माने दुख, लिफ्टेड हिज वॉइस माने जोर से चिल्लाए। युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन ही ब्रदर हैड टेकन एंड कैप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर हिज बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडियम अराउंड ए पूल ऑफ ग्रीन वाटर। चलिए देखिए, युधिष्ठिर उसी दिशा में चल दिए जिधर उनके भाई गए थे, तथा जंगली रीछ और चितकबरे, हिरन एवं बड़ी बड़ी जंगली चिड़ियों से भरे हुए जंगल में चलते रहे, जब तक कि वे साफ पानी के तालाब के चारों ओर फैले हुए चारागाह में ना पहुंच गए।
But when he saw his brother lying there like fool, unable to retain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, अपने भाइयों को बेहोश पड़े देखा, अपने दुख को रोकने में असमर्थ पाकर वे बड़े जोर से रो पड़े. इतना क्लियर हो गया. चलिए थर्ड देखिए. ही टच्ड द फेसेज ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड माउंट वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर बोज जस्ट when our exile is about to end you have been taken away even the gods have forsaken me in my misfortune. चलिए इसके मीन देख लेते हैं. misfortune एज माने जिस समय, ले माने लेटे हुए, स्टिल माने शांत, मौन माने विलाप किया, बाउस माने प्रतिज्ञाएं, एक्साइल माने वनवास, अबाउट टू एंड माने समाप्त होने ही वाला, फोरसेकन माने छोड़ दिया, मिसफॉर्चून माने विपत्ति. ही टच द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन की फेस को छुआ, एंड ले सो स्टिल एंड साइलेंट, और कैसे हो गई वो, उन्होंने विलाप किया, क्या है, वाज दिस टू बी द एंड ऑल आवर बोझ, क्या भी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था, ठीक उसी समय, जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज आवर फॉर्चून, एक्साइल इज अबाउट टू एंड, यू हैव बीन टेकन अवे, ठीक उसी समय जब हमारे वनवास का अंत होने वाला है, तुम मुझसे छीन लिए गई हो. Even the gods have forsaken me in my fortune. मेरे संकट के समय देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया है. इतना क्लियर हो गया. चलिए आगे देखिए. As he looked at their mighty limbs, now so helpless, she sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he too descended into pool drawn to the water by overpowering thirst at once the voice without from barb. चलिए मैंने देखो. मैं माइटी माने शक्तिशाली, लिम्स माने शरीर की अंग, हेल्पलेस माने असहाय, सैडली माने दुखी होकर, बंडल माने विचार कर, डिसेंडेंट माने नीचे उतरे, ड्रॉन माने आकर्षित हो गए, ओवर पॉबरिंग माने अपने प्रभाव में लेने वाली, फॉर्म माने शरीर, और बंडल माने चेतावनी दी. As he looked at my mighty limbs, जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के शक्तिशाली अंगों की ओर देखा, now so helpless, तो कैसे हो गए थे, काफ़ी असहाय हो गए थे. Who could have been powerful enough to kill them? और उन्होंने दुखियों का आश्चर्य किया, ऐसा कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है. Then he too descended into pool drawn to the water by overpowering thirst. At once the boys without form barn. तब जो उन्हें मार सके, तब अत्यंत प्यास से पीड़ित होकर वे तालाब में उतर गए. तुरंत ही शरीर रहित एक आवाज ने उन्हें चेतावनी दी. Your brother died because they did not heed my words. The thirst to drink water without answering my question, do not follow them, answer my question first and then you can quench your thirst, this pool belong to me. तुम्हारे भाइयों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही उन्होंने तालाब का पानी पीने का प्रयत्न किया, उनका अनुकरण मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तभी तुम पानी पी सकते हो, यह तालाब मेरा है. दैट्स ऑल.